गर्मी का सीज़न है और कच्चे आम काफ़ी मात्रा में मार्केट में मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आम से अमचूर पाउडर किस तरह से बनाया जाता है। तो अमचूर पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ कच्चे आम लिए हैं। तो आप कोई भी आम लें, आम खट्टे होना चाहिए और एक कड़क होना चाहिए। अब मैंने सारे आम को छील लिया है। तो छीलने के बाद हमें एक बर्तन में पानी लेना है और इसमें एक चम्मच नमक डालकर इन सारे आमों को उसमें डाल देना है, जिससे कि हमारे आम काले नहीं पड़ेंगे। मैंने यहाँ चिप्स मेकर लिया है और इससे हम इसके चिप्स बनाएंगे। तो इससे हमारा काम बड़ी आसानी से और झटपट हो जाता है। और यदि आपके पास चिप्स मेकर नहीं है तो आप इसे चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं या इसे कद्दूकस कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ धूप तेज़ है तो आप इसे बड़े टुकड़ों में काट कर भी सुखा सकते हैं। तेज़ धूप में ये आसानी से सूख जाते हैं। तो हमें टुकड़े करते जाना है, नमक के पानी में डालते जाना है, जिससे कि हमारा अमचूर पाउडर एकदम सफ़ेद बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं। अब एक बर्तन लेकर उस पर जाली या छलनी रख दें और उसमें ये टुकड़े डाल देंगे, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। तो कुछ देर रखने के बाद इसका काफ़ी सारा पानी निकल गया है। अब एक साफ़ कपड़ा लेकर उस पर हमें इसे फैलाना है। आप चाहे तो इसे थाली में भी फैला सकते हैं। इसके साथ ही मैंने जो मोटे टुकड़े काटे थे चाकू से, वो भी मैं इसमें डाल देती। तो इसका सूखना धूप पर निर्भर है। यदि आपके यहाँ तेज़ धूप है तो एक दिन में ही काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। दो दिन इसे धूप दिखाई और आप देख सकते कितने अच्छे से टुकड़े सूख गए हैं और ये अमचूर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे मिक्सर के पॉट में डालेंगे और इसमें मिलाएंगे नमक। तो आप इसमें थोड़ा सा नमक मिला दें और उसके बाद इसे पीसें। तो नमक इसमें प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है और ये काफ़ी लंबे समय तक हमारा अमचूर पाउडर ख़राब नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसे पीसने में कोई परेशानी नहीं होती। अब इसे हम छान लेंगे, जिससे कि कुछ मोटे टुकड़े हो तो वो निकल जाए, और बहुत ज़्यादा बारीक छानने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो इस तरह से सारा अमचूर पाउडर तैयार कर लें। इसे बॉटल में भरकर रखने से ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो आप इसे ज़रूर बना कर देखिए। धन्यवाद।